चैप्टर थ्री पेयर ऑफर इक्वेशन सोल्व करने का तरीका इसी में सीखने वाले है वर्ड इक्वेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड इक्वालिटी द वर्ड इक्वेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड इक्वलिटी इक्वलिटी की मीनिंग अगर कहीं भी कभी भी किसी वेरिएबल और कॉन्स्टेंट टैम के बीच का ऐसा कोई रिलेशन जो टू साइन के साथ दिया गया हो उसी को इक्वेशन कहा जाता है वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म के बीच का ऐसा कोई रिलेशन जो इक्वस टू साइन के साथ दिया जाए उसी इक्वेशन कहा जाता है इन अदर वर्ड्स वी कैन से किसी भी इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए इक्वस टू का साइन होना ही चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ लिख दिया टू एक्स क्या ये इक्वेशन है नहीं ये इक्वेशन नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इक्वस टू का साइन नहीं है लेकिन अगर मैंने लिख दिया इक्व टू थ्री अब ये इक्वेशन हो गया क्यों क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म के बीच के रिलेशन को हमने साइन के साथ डिफाइन कर दिया मान लें किसी दूसरे एग्जाम्पल में हमने लिखा थ्री एक्स माइनस वाई इक्व टू फोर क्या ये इक्वेशन है बिल्कुल इक्वेशन है क्यों है क्योंकि इक्वस टू का साइन है लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ लूं थ्री एक्स माइनस फोर क्या ये इक्वेशन है नहीं ये इक्वेशन नहीं है तो फिर ये क्या है इसे हम कहते हैं। जब वेरिएबल और कॉन्स्टेंट के बीच का रिलेशन इक्व के साथ डिफाइन नहीं होता तो हम उसे पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स तो पॉलिनोमियल तो, में और इक्वेशन में एक माइनर डिफरेंस है कुछ और भी स्टेटमेंट्स यूज किए जाते हैं और इसका डिटेल्स आपको पॉलिनोमियल में बताया जाएगा तो अभी हम क्योंकि पढ़ रहे हैं इक्वेशन इक्वेशन में इक्वस टू का साइन होना चाहिए और वेरिएबल और टर्म के बीच का रिलेशन होना चाहिए अगर मैं यह कह इक्वेशन है अब कहने के लिए तो टू का साइन इसमें भी है नहीं ये इक्वेशन नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि वेरिएबल और कॉन्स्टेंट टर्म का रिलेशन नहीं है ये ये रिलेशन केवल कॉन्स्टेंट टर्म का ही है इसीलिए इसे इक्वेशन नहीं कहा जाएगा लेकिन टू एक्स प्लस

के राइट साइड को हम कहते हैं राइट हैंड साइड तो दो पार्ट यहां यूज हम क्योंकि यूज करते ही है, को दो पार्ट में कर एक लेफ्ट पोर्शन को और दूसरे राइट पोर्शन को हम नॉर्मल केस में इक्वेशन के तो बहुत सारे प्रॉपर्टी सीखे थे लेकिन अभी कुछ मैं आपको बता दूं जिसके बेस पर आगे के स्टेटमेंट्स में समझना और उसे यूज करना आपके लिए आसान हो जाएगा तो हम सबसे पहले कुछ एक स्टेटमेंट्स देख लेते हैं और इसमें पहला है किसी भी इक्वेशन में साइड्स आप किसी भी वैल्यू को एड सब्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं फ्री हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कह सकते हैं जैसे थ्री एक्स प्लस टू इक्व एट लिखा हुआ है तो अगर हम चाहें तो यहां कर दें प्लस थ्री यहां भी कर दें प्लस थ्री कोई इफेक्ट नहीं आएगा होल डिवाइडेड बाई फोर होल डिवाइडेड बाई फोर कोई फर्क नहीं आएगा मल्टीप्लाइड बाई फाइव मल्टीप्लाइड बाई फाइव कोई फैक्ट नहीं आएगा आप किसी भी वैल्यू से लेकिन ध्यान रहे जिस भी वैल्यू को आप यूज करें वही दोनों साइड में यूज होना चाहिए अगर थ्री यूज किया है तो थ्री को ही दोनों साइड में यूज करें फाइव है तो फाइव को ही दोनों साइड में यूज करना चाहिए ऐड करें सपरा करें मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें उस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं आएगा सेकेंड स्टेटमेंट किसी भी इक्वेशन में एल से आरएचएस अगर आप किसी वैल्यू को ले जाना चाहते तो एडिशन साइन के साथ अगर वह वैल्यू है तो उधर सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन साइन के साथ है तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ है तो डिवीजन डिवीजन के साथ है तो मल्टीप्लिकेशन इसमें कभी कभी थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है वही जरा समझें एग्जाम्पल के फॉर्म में एक्स प्लस टू टू फाइव अब हमने देखा हम 2 को rhs में ले जाना चाहते हैं 2 चेक करें दूसरे वेरिएबल के साथ किस फॉर्म में है एडिशन फॉर्म में दूसरे वेरिएबल के साथ किस फॉर्म में है तो एडिशन फॉर्म में है जब ये राइट साइड में जाएगा तो x हो जाएगा 5 2 क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन साइन के साथ लिख दिया जाएगा अगर यह सबट्रैक्शन साइन के साथ होता x 3 2, 4 मान लें तो हमें यह देखना है

तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवीजन फॉर्म में थ्री एक्स के साथ डिवीजन फॉर्म में, में है तो उस तरफ जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो जाएगा ये हो जाएगा थर्ड तो. प्रॉपर्टी में क्या आता है एक किसी भी में जितने वेरिएबल्स

कैलकुलेट करने के लिए कहा गया एक्स एक सिंगल है, सिंगल वैल्यू तो उसके लिए ये एक सिंगल इक्वेशन है, मान किसी एक दूसरे एग्जाम्पल में हमने कह दिया एंड अब इसे चेक करें तो इसमें दो हैं हम दो अननोन वैल्यूज की values करना चाहते हैं, तो अब जब दो इक्वेशंस तो होने ही चाहिए अगर किसी क्वेश्चन में आपसे यह कह दिया जाए कि भाई x प्लस टू वाई इक्व टू सिक्स की वैल्यू फाइंड कर लो हम फाइंड कर ही नहीं सकते क्योंकि एक सिंगल इक्वेशन से दो अननोन वैल्यूज कैलकुलेट किए ही नहीं जा सकते तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है इक्वेशन ये तीनों आपको लर्न होने चाहिए इक्वेशन जिसे हम इक्वस टू साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं अगर कहीं भी इक्व टू का साइन नहीं है तो हम उसे इक्वेशन नहीं मानते इक्वेशंस के थ्री टाइप्स डिफाइन किए जाते हैं देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेशंस लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फर्स्ट लीनियर इक्वेशन सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और थर्ड क्यूबिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं ऐसा कोई भी इक्वेशन का फॉर्मेट जिसमें वेरिएबल्स जितने भी चाहे दिए जाए लेकिन सभी वेरिएबल्स पर पावर वन उसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है एक बार फिर समझे ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स कितने भी दिए जाएं, लेकिन सभी वेरिएबल्स पर पावर वन हो उसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है एक छोटा सा डेफिनेशन यहां मैं लिख दे रहा हूं जिससे समझना आसान हो जाएगा वन और मोर देन वन वेरिएबल वन और मोर देन वन वेरिएबल विद डिग्री वन डिग्री कहें या पावर कहें कोई फर्क नहीं पड़ता वेरिएबल्स कितने भी दिए जाएं सभी वेरिएबल्स पर पावर वन होना चाहिए उसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है क्यूबिक सॉरी क्वांटिटी क्या है वेरिएबल एक और उस वेरिएबल पर पावर टू ऐसा कोई इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल पर पावर टू दिया जाए मीनिंग हाईएस्ट पावर टू हो उसे हम क्वांटिटी इक्वेशन कहते हैं तो यहां हमें लिख देना चाहिए लर्न करने का स्टेटमेंट वन वेरिएबल वन वेरिएबल विद डिग्री टू इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है वेरिएबल एक ही होना चाहिए और उस वेरिएबल पर पावर थ्री होना चाहिए वेरिएबल एक पावर थ्री उसे क्यूबिक इक्वेशन कहा जाता है तो इसके लिए अगर हम डेफिनेशन लिखें या लर्न करने का तरीका सीखें तो वन वेरिएबल विद डिग्री थ्री इसे हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हम आते हैं लीनियर इक्वेशन पर लेकिन उससे पहले एक स्टेटमेंट आपको और जान लेना चाहिए जिस वेरिएबल पर जितने हाइएस्ट पावर्स होते हैं उस वेरिएबल की उतनी ही वैल्यूज कैलकुलेट की जाती है एक बार फिर समझे जिस वेरिएबल पर हाइएस्ट वैल्यू जो भी है उस वेरिएबल की उतनी ही पॉसिबल वैल्यूज कैलकुलेट की जा सकती है जैसे लीनियर इक्वेशन में मैंने कहा कि वेरिएबल्स जितने भी दिए जाएं, उन सभी वेरिएबल्स पर पावर वन तो उन वेरिएबल्स की केवल एक एक वैल्यू ही कैलकुलेट की जा सकती है लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्योंकि वेरिएबल एक और उस पर पावर टू तो उस वेरिएबल के दो पॉसिबल वैल्यूज हैं जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं और क्यूबिक में वेरिएबल एक और उस पर पावर थ्री तो इसके मीनिंग उस वेरिएबल की हम थ्री पॉसिबल वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं तो यह ध्यान रहे जिस वेरिएबल पर जितने हाइएस्ट पावर होते हैं उस वेरिएबल की उतनी ही वैल्यूज कैलकुलेट किया जा सकते हैं एक बात ये भी आपको सीख लेना चाहिए यहां कि जिस वेरिएबल की जितनी वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं वही उनके रूट्स कहे जाते हैं तो इसकी मीनिंग यह है कि लीनियर इक्वेशन में क्योंकि वेरिएबल्स कितने भी दिए जाएं सभी वेरिएबल के पर केवल एक एक वैल्यू ही कैलकुलेट की जा सकती है इसीलिए लीनियर इक्वेशन में हमेशा सिंगल रूट ही होता है रूट की मीनिंग क्या होता है उस वेरिएबल की जो वैल्यू फाइंड करते हैं वही रूट होता है क्वाड्रेटिक में क्या कहा मैंने वेरिएबल एक और पावर टू तो इसके मैंने उस वेरिएबल की जो दो वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे वही दोनों रूट्स कहे जाएंगे और इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रूट्स होने चाहिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रूट्स जनरली अगर कोई कंडीशन नहीं दी जाती है तो हम इन रूट्स को अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर इक्वेशन के रूट्स को हम किसी पर्टिकुलर अल्फाबेट से नोट नहीं करते लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को या उन वेरिएबल की वैल्यूज को हम अल्फा और बीटा से नोट कर लेते थ्री तो इसकी मीनिंग क्यूबिक इक्वेशन के थ्री रूट्स हुए लेकिन इन्हें भी हम किसी पर्टिकुलर अल्फाबेट से डिनोट नहीं करते थ्री रूट्स हम आते हैं लीनियर इक्वेशंस पर लीनियर इक्वेशन के थ्री टाइप्स डिफाइन किए जाते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेश सिंगल अनोन टू अनोन्स थ्री अनोन्स लीनियर इक्वेशंस के टाइप्स डिफाइन किए जाते हैं सिंगल अनू अन थ्री इसे सिंगल अनोन जैसा मैंने आपको बताया कि अगर लीनियर इक्वेशन है तो वेरिएबल कितने भी दिए जाए पावर एक ही होना चाहिए सिंगल अनोन की मीनिंग एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट होनी चाहिए और एक वेरिएबल की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इसकी मीनिंग क्या है कि उसमें एक ही इक्वेशन भी होना चाहिए क्योंकि तो एक ही इक्वेशन से तो एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे अच्छी बात यह है कि लीनियर इक्वेशंस के सिंगल पर बेस्ड किसी वैल्यू को फाइंड करने के लिए किसी मेथड की जरूरत नहीं होती तो फिर कैसे फाइंड करते हैं जितने प्रॉपर्टीज में स्टेटमेंट्स बताए गए हैं अननोन वैल्यूज फाइंड करने के लिए वही यूज कर लिया जाते हैं क्या अगर एल से आरएचएस आर एच से एल में जाना चाहते हैं तो एडिशन का सब फ्रैक्शन का एडिशन मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लिया सिंगल अनोन पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा इफ x प्लस टू इक्व टू फाइव देन x इक्व टू क्या होगा भी एक ही वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो जो एल की टू वैल्यू है उसको आर में करते हैं तो फाइव माइनस टू दैट इज थ्री दूसरा एग्जांपल, मान लें किसी दूसरे एग्जाम्पल में पूछा गया इफ x minus 3 equals to 6 तो x की वैल्यू बता दो तो भाई minus 3 को आप LHS में LHS की वैल्यू को RHS में ले जाएं तो हो जाएगा 6 plus 3 दैट इज 9 ये तो हुआ एडिशन सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन में अगर हम देखें if 2x equals to 10 therefore x equals to 10 by 2 मीनिंग प्रॉपर्टी के बेस पर हम सिंगल अननोन की वैल्यू लीनियर इक्वेशन में कैलकुलेट कर लेते हैं

Two unknowns. अब ये हम श्योर हैं कि अगर टूनिंग टू तो, तो होने ही चाहिए two equations होने ही चाहिए. एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको मान लें कोई क्वेश्चन दिया गया एक्स प्लस थ्री वाई इक्व टू फाइव क्या इस इक्वेशन से हम टू वन नोन वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं नहीं कैलकुलेट कर सकते क्यों नहीं क्योंकि के केस में टू वेरिएबल्स होने ही चाहिए और टू इक्वेशन भी होने चाहिए दूसरा इक्वेशन है फोर एक्स माइनस थ्री वाई इक्व टू फाइव ऐसे ही इक्वेशन मिलेंगे जिन्हें आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा लेकिन टू अनोन्स पर बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर्म का जो इक्वेशन बताया जाता है वह है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन टू जीरो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वस टू जीरो क्या है लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म ए वन क्या है जो एक्स का कोफिशियंट होगा वह ए वन बी वन वाई का जो कोफिशियंट होगा विथ साइन वह बी वन कॉन्स्टेंट टर्म जो दिया जाएगा विथ साइन सी वन सिमिलरली ए टू सेकेंड इक्वेशन में x वेरिएबल का कोफिशियंट बी टू सेकेंड इक्वेशन में y वेरिएबल का कोफिशियंट और सीटू क्या है सेकेंड इक्वेशन में टर्म की वैल्यू विद साइन ये स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं इन्हें सॉल्व करने के लिए दो मेथड यूज किए जाते हैं एक ग्राफिकल मेथड ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है एलजेब्रिक मेथड एलज्रिक मेथड दो मेथड्स हैं दोनों मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले हम पहले थ्री भी देख लेते हैं थ्री अननोनस क्या है ऐसा कोई इक्वेशन का फॉर्मेट जिसमें थ्री वेरिएबल्स दिए गए हों थ्री अननोनस कर दिए जाएंगे लेकिन थ्री वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करने के लिए थ्री इक्वेशंस होने ही चाहिए और इसका एग्जांपल मान ले किसी क्वेश्चन में दिया गया है 2x 3y 2z 4 x y एक्ट्रेक्स माइनस थ्री वाई इक्व टू एट टू एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्व यह थ्री अनुशन पर बेस्ड है सेकेंड इक्वेशन में इसमें हमने z यूज नहीं किया तो क्या मान लिया जाएगा आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं प्लस जीरो बात तो एक ही है की मीनिंग कंप्लीट जीरो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है

y और जेड वेरिएबल के कॉन्स्टेंट टर्म्स ए टू बी टू सी टू क्या है सेकेंड इक्वेशन में एक्स z के कोफिशियंट और ए थ्री बी थ्री सी थ्री थर्ड इक्वेशन में एक्स z के कोफिश इनको सॉल्व करने का तरीका वह हम आगे सीखेंगे क्योंकि अभी ये आपके सिलेबस में नहीं है हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर और क्यूबिक इक्वेशन एक बार दोनों एटेग्लांस देख ले उसके बाद हम

क्यूबिक इक्वेशन पढ़ना ही नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगला चैप्टर हम आगे देखेंगे अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स जिसके मेथड्स कौन कौन से हैं एक एलजेब्रिक मेथड है और दूसरा ग्राफिकल मेथड है ग्राफिकल मेथड आप पहले देखें एलजेब्रिक उसके बाद देखते हैं बच्चों जो मैं आपको बता रहा हूं इस टॉपिक से इस एक्सप्लेनेशन से पहले तो इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आपके फर्स्ट टू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो जाएंगे थर्ड एक्सरसाइज के लिए फिर एक एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा और फिर हम अगले एक्सरसाइज को करेंगे फोर्थ एक्सरसाइज के लिए फिर एक एक्सप्लेनेशन का टॉपिक होगा फिर हम उसके बाद देखेंगे तो इस तरह से हम टॉपिक का एक्सप्लेनेशन पहले देखेंगे और उसके बाद उस पर बेस्ट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे उसे करेंगे क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर ये एक्सप्लेनेशन आपने सीख लिया ढंग से तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा हम क्यों सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि हमारे समझ में नहीं आता क्या है हमें करना कैसे मीनिंग क्या है कुछ समझ में नहीं आता ठीक है तो ये एक्सप्लेनेशन केवल इसीलिए बताया गया चलो ग्राफिकल मेथड हम देखते हैं एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको ये बता रहा हूँ देखने से ध्यान से मान लें कोई क्वेश्चन दिया गया एक्स प्लस टू वाई इक्वस टू फोर दूसरा इक्वेशन दिया गया टू एक्स प्लस फोर वाई इक्व टू एट हमें इन दोनों इक्वेशंस का डायग्राम ग्राफ, ग्राफ पेपर पर चाहिए तो कैसे इन्हें किया जाए जरा देखते हैं हम क्या करते हैं जनरली इसके पहले नाइन्थ में क्या किया गया था एक टेबल बनाया गया था एक्स और वाई वेरिएबल्स के लिए वन टू थ्री एक्स अगर वन है तो वाई क्या होगा वाई टू है तो जेड एक्स क्या होगा इस तरह से मिनिमम थ्री वैल्यूज हम निकालते हैं और उसी बेस पर हम डायग्राम बनाते हैं यहां भी देख लेते हैं एक्स और वाई का एक टेबल बनाते हैं यह एक्स और वाई का टेबल किस इक्वेशन के लिए है पहले इक्वेशन के लिए है यह हमने मान लिया किसके लिए फॉर एक्स प्लस टू वाई इक्व टू फोर ये इसके लिए है अब हम वैल्यू चेक करेंगे कि एक्स और वाई किन किन वैल्यूज पर क्या क्या बनते हैं पहले इक्वेशन में देखें भाई एक्स अगर जीरो हो तो वाई क्या होना चाहिए टू हो जाना चाहिए पहले इक्वेशन को देखें यही है अगर एक्स जीरो हो जाए वाई टू हो जाए तो टू टू जो आरएचएस मैच हो जाएगा और कोई वैल्यू बताएं इसी इक्वेशन में होना चाहिए एक्स या वाई के कौन सी वैल्यूज हम फिलअप करें कि आर एच एस फोर आ जाए भाई एक तरीका और भी है एक्स फोर कर दें और वाई को जीरो कर दें यह भी एक तरीका सही है चलो भाई एक और हो गया एक और चाहिए मिनिमम थ्री चाहिए आपको सोच कर दें रफ वर्क कर सकते हैं कैलकुलेशन कर सकते हैं फ्री है फ्री है सोचें अगर हम वाई को आ, क्या करें एक्स को टू कर दें एक्स को अगर माइनस टू कर दे तो क्या नहीं चलेगा नहीं आएगा क्या जरा सोचे तो अगर वाई को थ्री करते हैं तो क्या आ जाएगा सिक्स और अगर एक्स माइनस टू है तो सिक्स माइनस टू फोर आ जाएगा बिल्कुल ठीक है हो सकता है मिनिमम थ्री चाहिए वो हमने थ्री निकाल दिया Similarly, दूसरे इक्वेशन के लिए भी एक्स वाई इसी तरह से हम निकालते हैं अब कौन सा इक्वेशन है अब वो इक्वेशन है फॉर टू एक्स प्लस फोर वाई इक्व टू एट इसके लिए भी एक्स वाई निकालते हैं अब दूसरे इस इक्वेशन के लिए यूज करने वाले हैं कुछ भी कर सकते हैं आप फ्री हैं अगर हम एक्स फोर कर दें y जीरो कर दें बिल्कुल ठीक है एट आ जाएगा टू तो फोर जाए वाई की जरूरत ही नहीं है दूसरा एक्स जीरो कर दें वाई को टू कर दें तब भी एट हो जाएगा ये भी ठीक है और कोई चेक करें और कोई अगर हम वाई को फोर करें वाई को फोर करने से क्या होगा वाई का पोर्शन सिक्सटीन हो जाएगा और अगर हम एक्स माइनस फोर कर दें एक्स माइनस फोर करें तो टू एक्स वाला फिगर क्या हो जाएगा माइनस एट और अगर वाई के जगह पर फोर कर दें तो यह हो जाएगा सिक्सटीन वो मैच कर जाएगा एटा आ जाएगा तो हमने ये एक्स वाई के कुछ थ्री पॉइंट्स निकाल लिए एक्स जीरो तो वाई कितना वाई जीरो तो एक्स कितना एक्स समथिंग तो वाई कितना इस तरह से थ्री पॉइंट्स चाहिए आपको मतलब हम इन दोनों टेबल के बेस पर डायग्राम बनाते हैं डायग्राम आप जानते हैं अच्छी तरह से बनाना स्केल आप कुछ भी ले सकते हैं फ्री हैं यह जीरो है वन टू थ्री फोर फाइव ये एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल वन टू थ्री फोर आप कुछ भी टेबल एज्यूम कर सकते हैं फ्री हैं एक्स वेरिएबल पर हमने क्या है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर नेगेटिव साइन वाला पोर्शन एक्स डैश कह दिया जाता है और नीचे वाई नेगेटिव इसकी जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी यहां यूज कर ले रहे हैं ये है वाई डैश चलिए बनकर तैयार है अब इन पर पॉइंट्स यूज करते हैं उसके बेस पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं एक एक लाइन दोनों क्लियर कर पहला फॉर एक्स प्लस टू वाईस टू फोर यहां है एक्स जीरो पर वाई होना चाहिए टू पॉइंट यहां मिला मैं पेन चेंज कर दे रहा हूं ये ग्रीन पेन से देखिए मार्क मैं कर रहा हूं पहला पॉइंट यह मिला एक्स जीरो पर वाई टू होना चाहिए ठीक आगे देखें x4 पर y0 होना चाहिए दूसरा पॉइंट यहां मिला ग्रीन पेन से जो मैं मार्क कर रहा हूं तीसरा पॉइंट मिला एक्स माइनस टू और वाई थ्री एक्स माइनस टू और वाई थ्री एक पॉइंट यहां कहीं जाएगा यहां होना चाहिए ये थ्री पॉइंट से मिलेगी किसके लिए मिले x प्लस टू वाई टू फोर के मिले फोर के लिए मिला अब हम इन पर लाइन ड्रॉ करते हैं देखें बहुत अच्छी तो लाइन नहीं बनी लेकिन आप ये मान लें देखें कुछ रब हो रहा है क्या देखते हैं में देखें रब नहीं हो रहा तो चले हम इसको यूज कर लेते हैं चल रब हो गया अच्छी बात है तो इन थ्री पॉइंट्स को यूज करके हम एक लाइन ड्रा करते हैं वह लाइन हो गई है ये।, ये लाइन किसकी है x प्लस टू वाई प्लस टू फोर की पॉइंट्स कौन कौन से हैं एक पॉइंट यहां है एक पॉइंट यहां है एक पॉइंट यहां है दूसरा पॉइंट देखें x4 y0 x4 y0 एक पॉइंट तो यही मिला अब मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूं दूसरा पॉइंट क्या है x0 y2 x0 y2 दूसरा पॉइंट यहां मिला और तीसरा x4 x एक्स माइनस फोर और y4 तीसरा पॉइंट यहां मिला भी अगर हम ब्लैक पेन से दूसरे इक्वेशन का डायग्राम ड्रॉ करें तो भाई ये तो ग्रीन के ऊपर ही जा रहा है जरा देखें तो ये जो ब्लैक लाइन है वो तो ग्रीन के ऊपर ही जा रही है और ब्लैक लाइन का इक्वेशन क्या है टू एक्स प्लस फोर बाईक् टू एट तो मीनिंग हमने क्या देखा कि जो ग्रीन लाइन है उसी के ऊपर ब्लैक लाइन का भी डायग्राम आ गया मीनिंग ब्लैक लाइन जो ड्रॉ की गई है वो भी लाइन आ गई ब्लैक लाइन किस इक्वेशन के लिए है टू एक्स प्लस फोर वाई टू एट के लिए है और ग्रीन लाइन किस इक्वेशन के लिए है एक्स प्लस टू फोर है तो अब ये दोनों क्या हो गए कौन साथ? जो हम में पढ़ते थे जिसे कहा जाता था कॉन्ग्रुएंट क्या होता था कि अगर एक के पीछे दूसरा है और आप आगे से देखें तो पीछे वाला ना दिखे यही तो होता है ना कॉन्ग्रुएंट देखें याद करें कॉन्ग्रुएंट सिमिलर ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा ये वही कानून आ गया जो ग्रीन लाइन थी उसी के ऊपर ठीक ब्लैक लाइन आ गई जिसे हम यहां कहते हैं कौन साइट यहां क्या कहते हैं इसे इसकी मीनिंग ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के क्या हैं कौन साइट है कौन ये कौन कब है ये कौन कब है क्या कंडीशन मिली जरा देखें इसे समझें अगर हम इसमें इक्वेशन में ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू निकालें तो ए वन की वैल्यू क्या है ए वन की वैल्यू वन है बी वन की वैल्यू क्या है टू है यहां पहले इक्वेशन में देखें बी वन की वैल्यू क्या है टू है सी वन की वैल्यू क्या है माइनस फोर है क्योंकि इक्वेशन में आपको क्या बताया गया ए वन एक्स प्लस बी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन टू जीरो आर एच एस में होना चाहिए और यहां तो आरएचएस में फोर था तो हम इसको एल एच एस मिलेगा तो सी वन माइनस फोर हो गया ए टू के वैल्यू क्या है टू बी टू के वैल्यू क्या है फोर और सी टू के वैल्यू क्या है माइनस एट है। तो इसकी मेंनिंग ये कि हमें जो कंक्लूजन मिला वो ये मिला जब ए वन बाई ए टू वन बाई टू इक्व टू बी वन बाई बी टू इक्व टू बाई फोर इक्व टू सी वन बाई सी टू इक्व माइनस फोर बाई माइनस एट ये जब इक्वल हो जाएं तो दोनों लाइंस एक दूसरे के कॉन्साइड होते हैं कॉन्साइड या आप कह सकते हैं कॉन्सिस्टेंट होते हैं क्या होते हैं कॉन्सिस्टेंट कॉन्सिस्टेंट की मीनिंग क्या है कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे क्या मिलेंगे इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस मीनिंग हम इसे एग्जैक्ट सॉल्व करके वैल्यू फाइंड कर ही नहीं सकते बहुत सारे वैल्यूज ऐसे हैं जो मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे वैल्यूज़ हैं मिल जाएंगे, हम इन्हें सॉल्व करके एग्जैक्ट यूनिक सॉल्यूशन पा ही नहीं सकते पॉसिबल ही नहीं जैसे ये इक्वेशन आपको दिया गया एक्स प्लस टू वाई प्लस टू फोर भाई एक्स टू हो जाए और वाई वन हो जाए तब भी ये दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे देखें दूसरा इक्वेशन एक्स फोर हो जाए दोनों इक्वेशन को आप चेक करके देखें एक्स फोर हो जाए और वाई जीरो हो जाए तब भी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा मीनिंग एक यूनिक सोल्यूशन नहीं मिला बहुत सारी इसके सोल्यूशन मिल जाएंगे इसीलिए कहा जाता है जब इक्वेशंस एक दूसरे के कॉन्साइड होंगे उस केस में इक्वेशन कंसिस्टेंट कहे जाते हैं और वहां इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन मिलते हैं मेनी वर्ड्स ध्यान दें अगर आपने कॉन्सेंट्रेट किया तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा एक्सरसाइज वन और टू का जो आपसे सॉल्व ना हो इसलिए ध्यान से देखें खूब अच्छी तरीके से देखें जब भी आपको लगे कि अब मैंने ज्यादा पढ़ लिया पॉज करके रोक दे फिर आप आगे देख लें ब्रेक लेकर के ठीक है ऐसा नहीं समझ में नहीं आ रहा तब भी लगे हुए हैं होता है ऐसा ह्यूमन नेचर कभी कभी एक साथ पढ़ते हैं तुरंत रुक जाओ यार समझ में नहीं आ रहा अच्छा नहीं लगा रोक दो फिर थोड़ी देर बाद फिर कंटिन्यू करो अच्छा लगेगा तो एक तरीका तो हमें यह मिल गया क्या जब किसी क्वेश्चन में ए वन बाई ए टू इक्वस टू बी वन बाई बी टू इक्वस टू सी वन बाई सी टू हो तो कौन साइड होते हैं या कौन कहे जाते हैं और उसके उसमें इंफिनेटली मेनी सोल्यूशन बनते हैं एक तो तरीका हो गया दूसरा तरीका क्या है दूसरा एग्जाम्पल हैं अभी हम ये ध्यान दें अभी हम ग्राफिकल मेथड पर चल रहे हैं ग्राफिकल मेथड का पहला दूसरा देखते हैं मान ले कोई क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया गया एक्स प्लस टू वाई टू फोर दूसरा इक्वेशन दिया गया टू एक्स प्लस फोर वाई इक्व टू सिक्सटीन ये दो इक्वेश आपको दिए गए अब इन दोनों इक्वेश में हम सबसे पहले ये देख लें कि जो एक्स वाई का टेबल बनता है उसके बेस पर कौन कौन से पॉइंट्स मिलेंगे देखते हैं वन बाई वन फॉर एक्स प्लस टू वाई इक्वस टू फोर टेबल बनाते हैं एक्स वाई के लिए मैथमेटिक्स आप जब भी पढ़ें प्रेशर में कभी नहीं बड़े आराम से और एक दूसरा टेबल में एक साथ ही बना दे रहा हूं फॉर टू एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू सिक्सटीन एक्स वाई थ्री वैल्यूज चाहिए ये हमने थ्री वैल्यूज के लिए टेबल बना चल देखिए पहला इक्वेशन एक्स प्लस टू वाई प्लस टू फोर भाई इसके लिए अगर एक्स जीरो हो जाए तो वाई टू अगर एक्स फोर हो जाए तो वाई जीरो कर दो भाई दूसरा तरीका तीसरा तरीका क्या है भाई एक्स माइनस टू कर दो और वाई क्या कर दो थ्री बात तो बन गई एक्स थ्री सॉरी एक्स माइनस टू तो एक्स माइनस टू हुआ और वाई थ्री करेंगे तो वाई का पोर्शन सिक्स हो जाएगा और सिक्स माइनस टू फोर बनता है मीनिंग ये तीनों वैल्यू सही है किसके लिए इस इक्वेशन को सेटिसफाई करने के लिए सिमिलरली इस दूसरे इक्वेशन को सेटिसफाई करने के लिए एक्स और वाई की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हैं हम देखते हैं सबसे पहले बी एक्स अगर एट हो जाए तो वाई जीरो हो जाए ठीक बात है सिक्सटीन आ जाएगा दूसरा क्या है एक्स अगर जीरो हो जाए तो वाई फोर कर दें ये भी तरीका सही है भाई बिल्कुल ठीक है तीसरा तरीका क्या है भाई वाई वन कर दो वाई वन अगर करेंगे तो वाई का पोर्शन तो फोर हो गया और हमें क्या चाहिए ट्वेल्व चाहिए एक्स सिक्स कर दो एक बार चेक करके देखें x सिक्स अगर हुआ तो सिक्स इंटू टू ट्वेल्व हो जाएगा y वन हुआ तो ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन हो जाएगा इसकी मीनिंग ये एक्स वाई के टेबल की वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे और अब हम इस टेबल की वैल्यूज के बेस पर इसका डायग्राम बनाने वाले हैं देखते हैं लाइंस कैसी बनेंगी अच्छा इसमें अगर आप चाहें तो एक स्टेटमेंट यहां सीख सकते हैं ए वन की वैल्यू क्या है वन बी वन की वैल्यू टू सी वन की वैल्यू माइनस फोर क्योंकि लेफ्ट साइड में होना चाहिए ए टू की वैल्यू टू है बी टू की वैल्यू फोर है और सी टू की वैल्यू माइनस सिक्सटीन है चलिए जी हो गया काम और अब हम चलते हैं डायग्राम बनाने के लिए केवल पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए हमें यहां कर दे रहे हैं माइनस वन यहां कर दे रहे हैं माइनस वन ये है एक्स डैश और यह है वाई डैश ठीक बात अब हम एक्स वेरिएबल पर पॉइंट्स निकालते हैं थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एक्स वेरिएबल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वाई वेरिएबल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स उपाय करिए फोर थ्री टू वन ठीक अब हम चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन जिसमें ये इक्वेशन दिया गया एक्स जीरो एक्स प्लस टू वाई प्लस टू फोर के लिए है ये एक्स जीरो वाई टू तो एक पॉइंट तो हमें ये मिला एक्स जीरो वाई टू एक पॉइंट यहां मिला ब्लैक से ही बना रहा तीसरा पॉइंट क्या मिला एक्स माइनस टू भाई माइनस टू यहां बना लो और वाई थ्री एक पॉइंट यहां होना चाहिए इन तीनों पॉइंट्स को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करें इन तीनों पॉइंट्स को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करें जब आप डायग्राम पर बनाएंगे तो एग्जैक्ट लाइन सीधी सी बन जाएगी इन पॉइंट्स के साथ। ये ये पॉइंट लाइन लाइन किसका है? X 2Y, 4। ये एक बन गई। चलो जी, दूसरे लाइन के लिए पहला पॉइंट से डॉट बना रहा हूं देखें दूसरा क्या है एक्स जीरो वाई फोर दूसरा तो ये मिल गया हमें और तीसरा क्या मिला तीसरा क्या मिला देखें जरा सा एक्स सिक्स वाई वन एक्स सिक्स वाई वन एक पॉइंट हमें यहां कहीं मिलेगा अब इनको टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करें ये लाइन दे ये लाइन किसकी है 2x plus 4y plus 16 जरा देखें दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं लग रहे हैं क्या देखें तो दोनों पैरेलल हैं पैरेलल ही तो दिख रहे हैं ना जो ब्लैक से और रेड से बनाया गया रेड या जो भी कलर आप पर्पल मान लें तो अब ये जो पैरेलल बने वो भाई कब बने हैं किस केस में बने पैरेलल किस केस में बने जब ए वन बाई ए टू वन बाई टू इक्व टू बी वन बाई बी टू टू बाई फोर इज नॉट इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू इज नॉट इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू चेक करके देखें वन बाई टू और वन बाई टू ये इक्वल हो जाएंगे वन बाई टू इक्व टू वन बाई टू इज नॉट इज इक्वल टू वन बाई फोर ये इक्वल नहीं तो हमारे पास कंडीशन क्या मिली जब ए वन बाई ए टू इक्वीन टू इज नॉट इज इक्वल टू सी वन बाई सी आर लाइन और उस केस में हम क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते इक्वेशन सॉल्व कर ही नहीं सकते पॉसिबल ही नहीं है चेक करके कोई देख सॉल्व होगा ही नहीं क्यों क्योंकि कहीं भी ये इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहे हैं होगा ही नहीं कभी सॉल्व देखें ट की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट की जाती है ये अलग अलग है कभी मिलेंगे ही नहीं तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी कौन साइड में क्या हुआ था यही है मीनिंग जो है वही दूसरा भी है पहले इक्वेशन का जो एक्स और वाई है वही दूसरे इक्वेशन का भी एक्स वाई है दोनों तो ही हो सकता इसमें क्या है दोनों दूर दूर है पैरेलल है ये भी कैलकुलेट नहीं हो सकते इसे हम कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंट क्या कहते हैं इसे इनकॉन्सिस्टेंट a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not is equal to c1 by c2 then the lines are ya the equations are parallel or inconsistent meaning solve nahi kiya ja sakta no solutions likh sakte hain aap no solutions एक रहा जब coincide होते हैं एक रहा parallel एक third type का देखते हैं क्या उसमें कुछ है सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इक्वेशन सॉल्व कर ही नहीं सकते कभी जरा देखते हैं क्या बनता है मान लें एक इक्वेशन आपको दिया गया इफ एक्स प्लस टू वाई इक्व टू फाइव एक्स प्लस थ्री वाई इक्व टू फाइव ये फाइव है भाई वाई नहीं दूसरा इक्वेशन है फोर एक्स थ्री वाईस टू फाइव सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकल मेथड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल ग्राफिकल मेथड अब मेथड के लिए तो भाई सबसे पहले हमें चाहिए एक्स और वाई वेरिएबल्स की वैल्यूज कैसे टेबल से तो देखते हैं पहले इक्वेशन के लिए फॉर एक्स प्लस थ्री वाई इक्व टू फाइव हम इसके लिए टेबल बनाते हैं एक्स वाई हमें देखना है कि एक्स के किस वैल्यू पर वाई कितना वाई के किस वैल्यू पर एक्स कितना मिनिमम थ्री वैल्यूज चाहिए जिस पर बेस्ट हम पहले से ही दो क्वेश्चन कर चुके हैं दूसरे इक्वेशन के लिए भी मैं यही ड्रॉ कर दे रहा हूं अच्छा आप ध्यान दें कोई जरूरी नहीं है कि आप इंटीग्रल में ही एक्स वाई की वैल्यूज हमेशा पाएं कोई जरूरी नहीं है आप डेसिमल पॉइंट में ले आए फ्रैक्शन में ले आए कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है दोनों ये हम वन बाय वन पॉइंट सर्च करेंगे और देखेंगे एक्स की वाई की वैल्यूज के बेस पर क्या क्या होना चाहिए पहले इक्वेशन आर में फाइव होना चाहिए भी आर में अगर फाइव होना चाहिए तो पहला तो ये है कि एक्स को फाइव कर दें वाई को जीरो कर दें बड़ा सिंपल सा तरीका है ठीक आगे दूसरा तरीका क्या है भाई y को अगर हम क्या कर दें टू कर दें अगर y को टू करते हैं तो y का पोर्शन सिक्स हो जाएगा हमें चाहिए फाइव x को माइनस वन कर दें एक तो तरीका ये भी है ठीक आ गया तीसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई तीसरी वैल्यू ये होनी चाहिए कि अगर हम x, y की वैल्यू को थ्री कर दें अगर y की वैल्यू थ्री करते हैं तो थ्री वाई तो नाइन हो जाएगा फाइव हमें चाहिए नाइन माइनस फोर

एक्स की वैल्यू को अगर हम टू कर दें वाई की वैल्यू को वन कर दें एक्स टू मीनिंग एट हो जाएगा और वाई वन मीनिंग वाई का पोर्शन थ्री हो जाएगा एट माइनस थ्री फाइव हो जाता है चलो भाई ठीक बात बन गई दूसरी बात क्या बनेगी अगर हम वाई की वैल्यू अगर हम वाई की वैल्यू को माइनस थ्री कर दें तो वाई का कंप्लीट पोर्शन हो जाएगा नाइन और x की वैल्यू को माइनस वन कर दे तो नाइन माइनस फोर हो जाएगा यह भी बता देता है फाइव एक वैल्यू को और सर्च करना है ठीक है भाई चलो देखते हैं जुगाड़ करते हैं अगर हम x की वैल्यू को x की वैल्यू को अगर हम वन तो कर नहीं सकते जीरो कर नहीं सकते अच्छा y की वैल्यू को अगर हम टू करें माइनस टू अगर y की वैल्यू को माइनस टू किया जाए तो क्या हो जाएगा ये सिक्स अब वन सब होना चाहिए तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि x के जगह पर हम कर दें माइनस वन बाई फोर जरा चेक करके देखें माइनस वन बाई फोर की मीनिंग माइनस पॉइंट टू फाइव रब पर चेक कर लो जी क्या कंफ्यूजन है फोर इंटू माइनस वन बाई फोर माइनस थ्री इंटू माइनस टू चेक करके देख लो ये कितना आ गया माइनस वन ये आ गया प्लस सिक्स फाइव आ तो गया आना तो चाहिए मैंने अभी जैसा कहा डेसिमल पॉइंट फ्रैक्शन कुछ भी पे करने फ्री है। और हम अगर इसमें वन बी सी जिसकी जरूरत हमें बाद में पड़ेगी हम यहां निकाल कर छोड़ देते हैं वन है बी वन की वैल्यू थ्री है और सी वन की वैल्यू फाइव है और सिमिलरली ए टू की वैल्यू अगर आप चेक करें तो फोर है नहीं सी वन की वैल्यू माइनस फाइव है अच्छा ए टू की वैल्यू फोर है बी टू की वैल्यू माइनस थ्री है सी टू की वैल्यू माइनस फाइव है ये है डायग्राम बनाते हैं देखते हैं डायग्राम के बेस पर क्या होना चाहिए डायग्राम के बेस पर अगर हम वैल्यू सर्च करें क्योंकि इसमें हमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू चाहिए जीरो एक्स वेरिएबल में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एक्स वेरिएबल माइनस एक्स में माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव ये है एक्स डैश जो निगेटिव वैल्यू उसको बताता है वाई में हमने लिख दिया वन टू थ्री फोर वाई डैश में वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ये है वाई डैश पॉइंट निकालते हैं जी वन बाई वन देखते हैं क्या आना चाहिए x प्लस थ्री वाई क्लस टू फाइव के लिए पहले देखें x फाइव है y जीरो ब्लैक मैं बना रहा हूं एक पॉइंट तो यह मिला एक्स एक्सेस पर दूसरा पॉइंट एक्स माइनस वन वाई टू एक्स माइनस वन वाई टू दूसरा पॉइंट माइनस फोर और वाई थ्री तीसरा पॉइंट यहां मिलेगा अब जिन थ्री पॉइंट्स को हमने यहां पॉइंट आउट किया है उनको मिलाकर एक लाइन बनाए देखें लाइन हो सकता है बहुत अच्छी ना बने आप स्केल से बनाएंगे तो लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट सी आएगी ग्राफ पेपर पर ये टेढ़ी थोड़ी सी हो गई है लेकिन आप ये मान लें कि x प्लस थ्री वाई एक्वस टू की लाइन है ये दूसरे इक्वेशन की तरफ चलते हैं दूसरे इक्वेशन के जो पॉइंट्स हैं वो हैं एक्स टू वाई वन एक्स टू वाई वन एक, एक पॉइंट हमें यहां मिला नहीं एक मिनट एक्स टू वाई वन यहां एक पॉइंट मिलेगा ये नहीं है पॉइंट ये क्रॉस है एक पॉइंट क्या मिला दूसरा पॉइंट क्या मिला x माइनस वन वाई माइनस थ्री एक्स माइनस वन और y माइनस थ्री एक पॉइंट क्या मिला तीसरा मिला x माइनस वन बाई फोर और y माइनस एक्स माइनस वन बाई फोर तो यही रह गई होगा ना ये है वन बाई टू ये है पॉइंट यहां कहीं बनेगा देखें ध्यान से यहां कहीं बनेगा भाई वन बाई फोर की मीनिंग पॉइंट टू फाइव अगर एक कोई पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक तो ये हुआ 0.5 ये हुआ 0.25 मीनिंग 1/4 तो अब इन तीनों पॉइंट्स को यूज करके एक लाइन ड्रा करते हैं भाई अगर इनको एक लाइन टच करते हुए लाइन ड्रा करें तो ये लाइन बनेगी ये किसकी लाइन है 4x 3y फाइव की आप अगर इन इक्वेशंस के डायग्राम्स को देखें तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कब इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या कंडीशन बन रही है जब ए वन बाई ए टू ए वन बाई ए टू की वैल्यू क्या है वन बाई फोर इक्व टू थ्री बाई माइनस थ्री मीनिंग बी वन बाई बी टू सी वन बाई सी टू की कोई कंडीशन नहीं है छोड़ दें उसे वन बाई फोर इज नॉट इज इक्वल टू थ्री बाई माइनस थ्री जब ए वन बाई ए टू इज नॉट इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू सी वन बाई सी टू की कोई कंडीशन है ही नहीं इक्वल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता उस केस में दोनों से दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इंटरसेक्टिंग और इंटरसेक्टिंग की मीनिंग है इसे सॉल्व करके हम यूनिक सोल्यूशन इसका पा सकते हैं यूनिक सोल्यूशन की मीनिंग पॉसिबल वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं इसकी और कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हमने सॉल्व तो किया नहीं हमने तो केवल डायग्राम बनाया डायग्राम में जो पॉइंट हमें मिला है देखें ये कौन सा पॉइंट है x2 है y1 है जिस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन पॉइंट है मीनिंग ये कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर हम क्या पाएंगे एक्स इक्व टू टू वाई टू वन यही आपका आंसर है तो हमने सोल्यूशन तो किया नहीं लेकिन हम ग्राफ के बेस पर ही एक्स और वाई की वैल्यूज बता सकते हैं ग्राफिकल मेथड में तीन ही तरीके हो ही सकते हैं या तो इंटरसेक्ट होंगे या पैरल होंगे या एक दूसरे के कॉन्साइड होंगे ग्राफिकल पर बेस्ड केवल तीन ही मैथड होते और इसकी कंडीशन क्या है ए वन बाई ए टू इज नॉट इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इसे भी हम कॉन्सिस्टेंट ही कहते हैं ध्यान से समझे कॉन्सिस्टेंट दो हैं जहां सॉल्व किया जा सकता है हम उसे कॉन्सिस्टेंट ही कहते हैं इसे भी हम क्या कहेंगे कॉन्सिस्टेंट हम सॉल्व कर सकते हैं इनकॉन्सिस्टेंट की मीनिंग सॉल्व कर ही नहीं सकते जो पैरेलल के केस में बना था कॉन्सिस्टेंट दो बने एक कॉन्साइड में जिसमें हम इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस पा सकते थे और दूसरा इंटरसेक्टिंग में जिसके यूनिक सॉल्यूशन पा सकते हैं लेकिन जिसमें हम सॉल्व कर ही नहीं सकते पॉसिबल ही नहीं है सोल्यूशन पा ही नहीं सकते उसे हम कहते हैं इनकॉन्टेंट तो तीनों की कंडीशन एक बार समराइज कर लेते हैं जब ए वन बाई एक्वी वन बाई बी टू इक्वस टू सी वन बाई सी टू उस केस में ये दोनों तीनों एक दूसरे के कौन साइड होते हैं जिसे हम कहते हैं कॉन्सिस्टेंट दूसरा केस क्या बना था और इसके ये भी मैं लिख दे रहा हूं इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशंस इंफिनेटली मेनी सोल्यूशंस दूसरी कंडीशन थी ए वन बाई ए टू इक्वस टू बी वन बाई बी टू इज नॉट इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू उस केस में यह क्या होता है पैरलेल जिसे इनकॉन्सिस्टेंट कहेंगे और इसमें नो सोल्यूशन हम सॉल्व नहीं कर सकते तीसरी कंडीशन है ए वन बाई ए टू इज नॉट इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इसे हम इंटरसेक्टिंग कहते हैं इंटरसेक्टिंग कहेंगे और इसे भी कॉन्सिस्टेंट कहा जाता है मीनिंग यूनिक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन की मीनिंग पॉसिबल वैल्यूज हम इनकी फाइंड कर सकते हैं इतने एक्सप्लेनेशन के बेस पर आप एक्सरसाइज वन और टू के क्वेश्चंस कर सकते हैं